हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो जिसका था इंतजार वो चीज़ आ गई है। कल न्यूज़ रिलीज हुई है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो न्यू ड्रोन पॉलिसी थी जिसमें ईज किया गया था सिंधिया साहब ने, न्यू सिविल एविएशन की तरफ से मिनिस्ट्री से चेंज हुई थी, उन्होंने चेंज कर दिए हैं रूल्स, ईज कर दिया, थोड़ा आसान कर दिए हैं रूल्स। तो पहले मैंने ड्राफ्ट बताया था, जिसको ड्राफ्ट नहीं देखना है वो मैंने दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। और उस ड्राफ्ट को अब पास कर दिया गया है, काफ़ी कुछ उसमें से पारित हो गया, मतलब रूल बन गया है, नए रूल्स आ चुके हैं और काफ़ी ईज कर दिया है गवर्नमेंट ने ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो जो जो भी लोग देखना चाहते हैं, 30 पॉइंट्स एकदम मैं एकदम बता रहा हूँ, टू द पॉइंट 30 फीचर्स जो नई ड्रोन पॉलिसी जो कि पहले ड्राफ्ट थी अब पास हो गई है। अब ये फ़र्क है इस वीडियो में, जो एक्चुअल में पास हुआ है वो मैं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अभी क्लियर नहीं है, वो बहुत माइन्यूट से हैं, वो आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसलिए चैनल पर लेके आते हैं ड्रोन इंफॉर्मेशन एंड टेक जो हम यूज़ करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो ड्रोन रूल्स पास हो चुके हैं उसके 30 पॉइंट्स जो कि आपके बहुत काम के भी हैं। जो भी ड्रोन इंडिया में यूज़ करता है ये वीडियो ज़रूर देखें, और अपने फ्रेंड्स का जो ड्रोन यूज़ करते हैं उसका शेयर करें। तो स्टार्ट। नंबर वन पॉइंट, जो कि पहले अप्रूवल्स चाहिए होती थी, अराउंड इतनी ज्यादा अप्रूवल्स की बात की जा रही थी, वो जो है अबॉलिश कर दिया गया वो चीज, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा ईज करने के लिए, कि पहले आपको कई तरह की 15 से 20 तरह की अप्रूवल्स लेनी थी अगर आपने ड्रोन बिजनेस करना है, ड्रोन मैन्युफैक्चर करना है, या कोई ड्रोन से रिलेटेड कोई भी काम करना है, फैक्ट्री खोलनी, एनीथिंग, उसके लिए बहुत सारी अप्रूवल्स थी, लाइक यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका इंपोर्ट क्लियरेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ, जो मतलब बेहद मतलब नाक में दम किया हुआ था, इतनी सारी अप्रूवल्स लगा दी थी, वो हटा दी गई हैं मोस्ट ऑफ देम। सिर्फ 2 या 4 फॉर्म हैं अगर कोई बिजनेस शुरू करना है और जिसने मतलब बिजनेस में जाना है, इसके लिए ज्यादा जो पहले तामझाम था वो सब अबॉलिश कर दिया गया। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, अगर नंबर की बात करें कितने फॉर्म्स कम हुए हैं, पहले 25 फॉर्म होते थे, अब सिर्फ घट के 5 रह गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है ड्रोन लवर्स के लिए, और जो ड्रोन में अपना मतलब फ्यूचर देखते हैं या कुछ सेटअप या स्टार्टअप करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्यूज जो फीस थी, काफ़ी तरह की 72 तरह की फीसें लगा रखी थी इन्होंने, कि आपने ये वाला लेना तो ये फीस लगेगी, वो करना है तो ये फीस लगेगी, वो 72 फीसें घट के सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ फीस रह गई हैं। तो ये मोटे मोटे फीचर बता रहा हूँ ताकि आपको बोले कितनी ईज हो गया, ठीक है। ये तीसरा, उसके बाद क्वांटम ऑफ फी रिड्यूस टू नॉमिनल लेवल्स, मतलब कि जो अमाउंट था ना पहले फीस का, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि रिमोट पायलट लाइसेंस की फीस जो कि 3,000 रुपये थी, वो घट के 100 रुपया कर दिए गए। तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ें कर दी गई हैं, काफ़ी फीस में भी कटौती की गई है ताकि ड्रोन की पॉपुलैरिटी, ड्रोन को प्रमोट किया जाए, ड्रोन इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को यूज़र फ्रेंडली बनाया जाएगा, अभी उसमें बहुत तामझाम है, कई तरह की चीज़ें पता नहीं लगती हैं, ये करो वो करो, कहाँ पर जाएं। अब सिर्फ सिंगल विंडो सिस्टम तैयार होगा, अब जो अपडेट आएगी ड्रोन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की, एक विंडो होगी, मतलब एक आपको पॉइंट मिलेगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा उसमें, उसको और सिंपलर कर दिया जाएगा। और वहाँ पर करना क्या होगा, वहाँ पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि आपकी जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पहले बहुत कन्फ्यूजिंग थी, वो बहुत आसान कर दी जाएगी। अब इंटरेक्टिव एयर स्पेस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पहले भी कोशिश की थी कि पूरे एयर इंडिया मतलब इंडिया के एयर स्पेस को येलो, रेड और ग्रीन में डिवाइड कर दिया जाए, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, सारा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, तो वो इसमें भी अपनाया जाएगा। और जल्द से जल्द हर एक इंडियन को जो ड्रोन उड़ाना चाहता है उसको एक्सेस करवाया जाएगा कि कौन सी ग्रीन जोन है, कौन सी येलो जोन है, कौन सी रेड जोन है। रेड जोन पर रिस्ट्रिक्शन है जहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, येलो जोन में आप परमिशन लेकर ड्रोन उड़ा सकते हैं, और ग्रीन जोन में किसी के बाप की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कुछ लिमिट्स हैं वो आपको बताऊंगा, उसमें आप बिंदास ड्रोन उड़ा सकते हैं, नो परमिशन नीडेड। आगे डिटेल में और देखें वीडियो कैसे कहां पर क्या है वो मैं बताने वाला हूं इस पॉइंट्स में। तो 3 जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा, और
विद इन 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन, जैसे ही अब ये गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएंगे रूल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके 30 दिन के अंदर ये जो स्पेसेस मैंने आपको बताई हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ये रिलीज कर दिए जाएंगे। आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विजिट करें, और जो भी अलग अगर और कोई सोर्स वो रिलीज करते हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा, चैनल से बने रहे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाला हूँ, नंबर 7, नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन इन ग्रीन जोन। ये मैं पहले बात किया, ग्रीन जोन पे कोई परमिशन नहीं चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज। लेकिन ग्रीन जोन मीन्स द एयर स्पेस वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 400 फीट। 400 फीट से ऊपर नहीं जाना फ्रेंड, 400 फीट के अंदर नो परमिशन रिक्वायर्ड। तो इसमें काफी अच्छे ड्रोन शॉट्स आ सकते हैं मेरे हिसाब से, जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए 400 फीट इज इनफ अच्छे शॉट्स लेने के लिए, और 120 मीटर अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें। और अगर रेड जोन है तो वहां पर अलाउड नहीं है, ग्रीन जोन की बात हो रही है सिर्फ। ग्रीन जोन पे फिर से रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ग्रीन जोन में नो परमिशन रिक्वायर्ड, कहां तक, 400 फीट तक या 120 मीटर की ऊंचाई तक। येलो जोन, जो येलो जोन थी जिसमें परमिशन लेके आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, वो आप घटाकर, जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास येलो स्पेस माना जाता है, यहाँ पर आप बिना परमिशन के ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो पहले वो, जैसे मैंने बताया था, 45 किलोमीटर था उसके पूरे रेडियस को घेरा हुआ था, अब वो कम घटा के 12 किलोमीटर, मतलब एयरपोर्ट कहीं पर है तो उसके 12 किलोमीटर के रेडियस में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते परमिशन के बिना। लेकिन पहले था 45, वो घटा दी गई है, वो 12 किलोमीटर रह जाएगी। तो मतलब आपके लिए ग्रीन स्पेस बढ़ा दी गई है ताकि आप आराम से ड्रोन उड़ा सकें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो रिमोट पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स। और हमारे मतलब के माइक्रो ड्रोन्स हैं, अगर आप पर्सनल यूज के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं बाहर गया हूँ, ग्रीन एरिया में गया हूँ जहाँ पर कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रोन उड़ा सकता हूँ विदाउट एनी लाइसेंस। माइक्रो कैटरी में कौन से आते हैं ड्रोन, मिनी आ गया, मैविक आ गया, फैंटम आ गए, जो भी 2 किलो से नीचे ड्रोन है वो सब माइक्रो कैटेगरी में आ रहे हैं, 240 से ऊपर, 2 किलो से नीचे। तो इसमें हमारे मैक्सिमम ड्रोन कवर हो जाते हैं, मैविक प्रो, मैविक एयर सब आ जाते हैं इसके अंदर। पर्सनल यूज के लिए नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप कमर्शियली यूज करते हैं, कोई आपने बिजनेस खोल रखा है, रोज आपका ड्रोन का काम है, आपका ड्रोन यूटिलाइज होता है, आपके बहुत सारे ड्रोन है, तब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, नो रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस बिफोर इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। पहले क्या था, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी पड़ती थी, बहुत सारी अप्रूवल देनी पड़ती थी जब आप अपने ड्रोन को रजिस्टर करवाने। हालांकि अभी ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ ही नहीं है, फिर भी पेपर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दे दी गई थी कि अगर आपने ड्रोन रजिस्टर कराना है या कहीं से इंपोर्ट करवाना है, उसके लिए 100 तरह के फॉर्म्स मैंने भी कई आपको पहले बताए क्या क्या ड्राफ्ट था, वो सब हटा दिए गए। नो रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस की, बिल्कुल सिंपल कर देगी ये प्रोसेस। वो डिटेल में कैसे आएगी वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, अगर आपने इंपोर्ट करना है ड्रोन कैसे करना है वो आगे वाली वीडियोस में, जैसे जैसे खुलते जाएंगे तार हम आपको वीडियोस बना के बताते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रिमोट लाइसेंस बाय आरएनटी एंटिटीज ऑपरेटिंग ड्रोन इन ओन और रेंटेड प्रीमिसेस लोकेटेड इन ग्रीन जोन। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, इसमें आप काफी ड्रोन्स लेके बैठे हैं, आपका मतलब कोई आप सर्वे करना चाहते हैं, आपने एक इंडस्ट्री खोल रखी है, आपने एक बिजनेस, एक स्टार्टअप खोल रखा है, तो उसके लिए आप कोई ऐसा टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें ईज ऑफ बिजनेस कर दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप इन इंडियन ड्रोन कंपनीज, मतलब अब बाहर की कंपनी DJI है वो इंडियन कंपनी से कोलैब करके ड्रोन लॉन्च कर सकती है इंडिया के अंदर, और मे बी आने वाले टाइम में डायरेक्ट भी ड्रोन लॉन्च कर पाएगी। सो वो रिस्ट्रिक्शन हम हटा दी गई है, पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी। उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स will be regulated by DGFT. DGFT क्या है? Director General of Foreign Trade. तो वो govern करेंगे import drones. पहले काफी बीच में इन्होंने चीजें डाल दी थी, DG से involve कर दिया था, वो सारे इसमें चीजें involve हो गई थी, बहुत सारे approvals import करने से पहले, अब काफी easy कर दिया गया import करना। तो वो अभी detail नहीं आई है कैसे होगा import, वो मैं आपको बताऊंगा जब ये डिटेल रिवील होंगी। तो इंपोर्टेड ड्रोन विल बी रेगुलेटेड बाय DGFT, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये अब नए रूल्स में पास हो गया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट क्लियर फ्रॉम DGCA अबॉलिश्ड, सबसे बड़ी न्यूज। पहले DGCA से आपको अप्रूवल चाहिए था, बहुत लंबा तामझाम था, क्या एयर कितनी दूर जाएगा, क्या उसमें मेन स्पेसिफिकेशन है, क्या कैपेसिटी है, ये सारा बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज थी जो कि अब हटा दी गई है। रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट क्लियरेंस फ्रॉम DGCA अबॉलिश्ड, मतलब DGCA से इम्पोर्ट कराने के लिए आपको क्लियरेंस की अब जरूरत नहीं है, वो काट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ साफ शब्दों में, अब आपका इम्पोर्ट यानी बाहर से ड्रोन मंगाना काफी आसान हो जाएगा। कैसे मंगाना है वो अभी रिवील नहीं हुआ है, जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
और कवरेज ऑफ ड्रोन अंडर ड्रोन रूल्स 2021 इंक्रीज फ्रॉम 300 केजी पेलोड टू 500 केजी। तो मतलब क्या है इसका, अब जो है हैवी ड्रोन्स को भी जो कि 500 किलो तक भार उठा लेते हैं, मतलब ये इंडस्ट्री ड्रोन्स की बात हो रही है, वो भी अब इन्वॉल्व कर लिए हैं इंडियन मतलब ड्रोन मतलब सिविलेशन ने नए रूल्स के हिसाब से कि हम वो ड्रोन्स भी अलाउ करेंगे मैन्युफैक्चर भी और इंपोर्ट करना भी, ताकि उसमें हम ड्रोन टैक्सी तक चला पाएं। मतलब ड्रोन टैक्सी आपने सुना होगा, फ्यूचर है इसमें आप उड़के टैक्सी जोड़ेंगी टैक्सीज, वैसा वो हिसाब था प्लान करने के लिए वो अलाउ कर दिया गया। दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड न्यूज। DGCHL प्रिस्क्राइब ड्रोन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ओवरसी ड्रोन स्कूल एंड प्रोवाइड पायलट लाइसेंस ऑनलाइन। ये भी बहुत बड़ी खबर है, पहले फिजिकली का तामझाम था, वहां पर अटेंड करो, अब कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे, इस पर अभी डिटेल नहीं आई है कैसे ऑनलाइन आपको लाइसेंसिंग हो जाएगी अगर आप एक इंडस्ट्री में या कमर्शियल पर्पज के लिए ड्रोन्स को यूज करना चाहते हैं, ड्रोन लाइसेंस को यूज करना चाहते हैं, तो वो उसका पायलट लाइसेंस ऑनलाइन कैसे आएगा, तो वो अलाउ कर दिया है, कैसे होगा वो डिटेल्स में आपको बताएंगे। और इनमें से जो भी पे आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, तो आपके हम आगे उसको डिस्कस करके नए वीडियोस में डिस्कस कर पाएं और आपको और समझा पाएं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ सारे फीचर जो पास हो गए इंपॉर्टेंट वंस। नेक्स्ट है कि रिमोट पायलट लाइसेंस टू बी इशूड बाय डीजी विद इन 50 डेज ऑफ पायलट रिसीविंग द रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। लाइसेंस जो है जिस पायलट ने ट्रेनिंग ली है ऑफिशियली कमर्शियली यूटिलाइज करने के लिए, मतलब एक इंडस्ट्री खोलने के लिए कमर्शियल पर्पज के लिए ड्रोन को यूज करने के लिए, उसको DGCA 15 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस इशू करेगा। पहले ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं थी, वो टाइम लिमिट बना देगी फटाफट वो काम हो और वो अपना बिजनेस बंदा कर सके, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। बाकी और इसमें आपका नैनो एंड मॉडल ड्रोन्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो नैनो ड्रोन्स हैं और जो 240 ग्राम से नीचे वाले ड्रोन्स हैं उनको कोई सर्टिफिकेट कोई रजिस्ट्रेशन कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। ये क्लियर फिर से कर दिया है, ये आपको मालूम ही होगा, वो चीज़ में आ गई है। मैन्युफैक्चरर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाला ध्यान दें, मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर में जनरेट देयर ड्रोन्स यूनिट आइडेंटिफिकेशन ऑन द DigiSkai प्लेटफॉर्म थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसका मतलब क्या है कि पहले सब कुछ कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया गया था कि आप अपना नंबर जनरेट करें, आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाएं। अब ऐसा हो गया कि जो एक फर्म बनती है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई DJI का फर्म एग्जांपल ले लेते हैं, वो मैंने शुरू किया बिजनेस, अब मेरे थ्रू आपको वो आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा क्योंकि मैं मेरे को अब अलाउ किया जाएगा सेल्फ सर्टिफिकेशन करने के लिए, और सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट के थ्रू मैं अपने जो नंबर्स हैं डिफरेंट ड्रोन, अगर मेरे पास किसी कैटेगरी के 10 ड्रोन पड़े हैं तो उसके नंबर्स मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माय कंपनी मैं ले सकता हूं गवर्नमेंट से कि इसका ये नंबर है। फिर जो कोई कस्टमर मेरे पास आता है लेने के लिए तो उसको इन तामझाम में पड़ना पड़ेगा, वो जैसे ही परचेज करेगा वो नंबर उसके नाम पर चढ़ जाएगा, तो इससे आपका टाइम बचेगा, पैसा सेव होगा, टाइम इज मनी, और इधर से हमारे को अलाउ किया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट से जल्दी आप मल्टीपल नंबर्स ले पाएंगे, तो दोनों तरफ से इट्स ए गुड रूट टू प्रमोट ड्रोन्स। तो ये अब होगा नए रूल्स में। ठीक है, और अब सबसे बड़ी खबर, जो ड्रोन्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, चाहे वो DJI के हैं, सबसे ज्यादा DJI के ड्रोन्स हैं मेरे हिसाब से, ड्रोन्स प्रेजेंट इन इंडिया ऑन और बिफोर नवंबर 30 यानी 30 नवंबर 2021, अभी नहीं आया, यानी 30 नवंबर तक आपके पास जितने भी ड्रोन्स हैं, जिसने अभी लेना है ले ले DJI के ड्रोन, अगर दूसरे रूट से लेना है ओके, तो 30 नवंबर डेडलाइन निकाली है, विल बी इशूड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर वो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, तो मतलब आपके ड्रोन को लीगलाइज कर दिया जाएगा, आपको UID नंबर मिल जाएगा अगर वो नंबर 30 तक आपके पास है, मतलब जितने भी पुराने ड्रोन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं वो सभी को आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, कोई इशू नहीं है, कोई वो तामझाम वाली बात नहीं, आपको मिलेगा, आप बेचने की जो ड्रोन नहीं है वो लीगलाइज हो जाएगा, नवंबर 30 तक डेडलाइन नहीं, मतलब नवंबर 30 तक अभी भी आप खरीद सकते हैं किसी और रूट से, तो वो सब अप्रूव हो जाएंगे। तो ये थे मेन जो मैंने आपको बता दिए रूल्स, और NPNT का भी अभी कोई भी अभी इसमें लिखा है, आगे जाके बताएंगे, NPNT अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, नो परमिशन नो टेक ऑफ अभी नहीं शुरू होगा, उसमें अभी आगे जाके अपडेट आएगी। तो ये थे आपके सब कुछ न्यू रूल्स जो पास हो चुके हैं, ये अभी पब्लिश हो जाएंगे। आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ आपने पूछना है कमेंट में लिखें। थैंक यू।